कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ कौन फैला रहा है नफरत? वायरल हो रहे वीडियो पर क्या बोली कनाडा सरकार? हिंदुओं के देश छोड़ने की धमकी पर क्या बोले पीएम जस्टिन ट्रूडो? आखिर क्यों खत्म नहीं हो रहा है जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी मोह? खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से कनाडा और भारत के रिश्ते में लगातार तल्खी देखने को मिल रही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब वहां पर भारतीय प्रवासी खास तौर पर जो हिंदू हैं वो डरे हुए हैं। इसकी वजह है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो जिसमें हिंदुओं को जल्द से जल्द कनाडा छोड़ने की धमकी दी जा रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अब कनाडा सरकार ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। वायरल हो रहे वीडियो में कनाडा में रह रहे हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इस वीडियो के बाद से ही हिंदू समुदाय में डर का माहौल है, जमीन पर तनाव बढ़ गया है। विवाद को बढ़ता देख कनाडा की सरकार ने इस वायरल वीडियो पर अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने जोर देकर कहा है कि इस तरह की हेटफुल सामग्री को कहीं भी किसी भी रूप में मंजूरी नहीं दी जा सकती। कनाडा सरकार में पब्लिक सेफ्टी का जो मंत्रालय है उसने भी साफ कर दिया है कि ये कनाडा की संस्कृति नहीं है जहां पर इस तरह से नफरत फैलाई जाए। सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। वायरल हो रहे इस वीडियो में ट्रूडो सरकार ने कड़ा रुख तो दिखाया है, लेकिन जो खालिस्तानी लंबे समय से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके ऊपर जगमीत सिंह की पार्टी इस समय ट्रूडो का समर्थन कर रही है, इसकी वजह से ही सरकार सत्ता में बनी हुई है। अब जगमीत सिंह के खालिस्तानी कनेक्शन कई मौकों पर सामने आ चुके हैं, भारत के खिलाफ उसके कई प्रोपेगेंडा भी जग जाहिर है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने उनके खिलाफ कभी भी एक शब्द भी नहीं बोला है। और अभी माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ ट्रूडो जगमीत सिंह की पार्टी के दबाव में रहे हैं। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब कनाडा में हिंदुओं के अंदर डर का माहौल बना है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ट्रूडो की पार्टी से भारतीय कनाडाई सांसद चंद्रा आर्या ने हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा था आतंकवाद के महिमा मंडन और कनाडा में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने वाले घृणा अपराध को लेकर निराशा होती है। तो ये थी भारत कनाडा विवाद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।